हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत सारे बच्चों को काफ़ी टफ भी लगता है क्योंकि उनको सही समझ में ही नहीं आता। ठीक है, वो पूरा पूरा पढ़ लेते हैं पर बेसिक उनका वीक हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए, अगर आप 9, 10, 11, 12 में हैं। ठीक है, 11th में तो केमिकल, पूरा केमिकल बॉन्डिंग तो पूरा इसी पे बेस है ना, तो उसका बेस है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आगे तो आप छोड़ ही दीजिए, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छे से होना चाहिए। जब आपको यही नहीं पता होगा कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है तो आप कैसे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल की बहुत ईजिएस्ट वे में बहुत अच्छी सी ट्रिक्स बनाई है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से वो टेबल याद हो जाएगी, उसके बाद आपको ये बहुत ईजी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो सपोज़ कोई एलिमेंट है, जैसे कि ये कोई एलिमेंट है एक्स। अब एक्स कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक सपोज कर रही हूँ, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसके एक नंबर आपने देखा होगा यहाँ लिखा होता है, कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, एक नंबर आपके यहाँ लिखा होता है और एक नंबर आपके यहाँ लिखा होता है। ठीक है, कोई भी नंबर लिखा होता है आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल देखिए तो। ठीक है, नहीं देखिए तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर उसको। तो यहाँ पे दो नंबर लिखे होते हैं, ये तो हमारा एलिमेंट हो गया। देखिए जेड क्या होता है, हमारा जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसी से तो पता लगता है, इसी से तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ग्रुप में इसी तरीके से तो याद करते हैं। ठीक है, तो और ए क्या होता है हमारा यहाँ पे मास नंबर। ठीक है, और अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होता है, ठीक है, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हमारा Z क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो नहीं आ गया, अब नंबर ऑफ, अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी कि सबको समझ में आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा मास नंबर है ना, हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल हमने जैसे ले लिया सोडियम। ठीक है, तो यहाँ इसका मास नंबर 23 लिखा रहता है और यहाँ 11 लिखा रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो क्या ये हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पूछेंगे तो वो भी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अगर हम न्यूट्रॉन पूछे, तो न्यूट्रॉन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, हम मास नंबर में से किसको, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। अगर हम पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो क्या करेंगे, मास नंबर कितना गया 23, और ये हमारा उसमें से माइनस क्या करना है, एटॉमिक नंबर, तो हम 11 इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, 12 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, देखिए क्लियर करते चलिए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन में हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 6। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समझ गए। ठीक है, अब हमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देना है, हल्के हल्के चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन, जिसका मास नंबर क्या था, होता है 12, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 6। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये तो लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है ना, दो 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 इस तरीके से भरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी। अब ये लिखते कैसे, कैसे समझ में आएगा कि भाई 1s के बाद हम 2s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2s के बाद हम 2p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, पूरा सीक्वेंस हमें किसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ,
जो हमारा एस होता है ऑर्बिटल, एक होता है हमारा पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ एन ऑर्बिटल, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, हमारे एस ब्लॉक में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, ठीक है, और हम पी में 6 भर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरते हैं, इसलिए मैंने एक एक करके भर के दिखाया। डी में मैं नीचे बना रही हूँ, ठीक है, इसमें भर देते हैं, हम भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से भरेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से अगर हम एफ एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें भरते हैं 14, भी बना के दिखाऊं क्या। एक दो तीन चार पाँच, हाँ 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता लगता है कि हमें इसके बाद ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो वो एक रूल होता है अल्फा रूल। ठीक है, तो उससे हमें पता लगता है कि हमें किसके बाद क्या पढ़ना है, तो मैं अब आपको रूल बताने जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑफबाउ रूल, जिससे हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने पूरा ही बना दिया, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा, चाहे वो समझ में आया हो चाहे ना आया हो सकता है आया भी हो, ठीक है, लेकिन देखा तो ज़रूर होगा आपने। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कौन से 1s के बाद फिर 2s में भर रहे हैं ना, तो इससे पता कैसे चलता है हमको, तो बस वही हम इससे चेक करते हैं। तो इस तरीके से बना ये, तो जैसे कि 1s के बाद हम 2s में भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर हम 2p में भरते हैं, फिर हम 3s में भरते हैं, फिर 3p में 4s, फिर इस तरीके से भरते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। 30 एलिमेंट तक आपको अच्छे से आना चाहिए, उतना मैंने लिख दिया, इतना ज़रूरत है, बाकी आप और भी चाहें इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कैसे करके देखेंगे इसको। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, फिर 2p में भरते हैं, देख किस तरीके से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम s में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, हमने कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम का 11 है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी पूरे, परेशान मत होइए। ठीक है, तो अगर आपने सोडियम ले लिया, ठीक है, आपके 11 है, तो आप किस तरीके से भरेंगे, तो पहले हम किस में भरते हैं, 1s में भरते हैं। तो देखिए, अब s में तो हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने 2 यहाँ भर दिए। ठीक है, 2 भर दिए, उसके बाद हमने 2p में भरेंगे, अब s है तो 2 ही भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, अभी भी बहुत सारे बाकी रह गए। अब आ रहा हमारा 2p, अब 2p में मैक्सिमम मैंने कितने बताए थे, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो लगाइए कितने हो गए, 6 7 8 9 10, अभी भी एक बचा, उसके बाद हम किस में भरेंगे, 3s में, अब एक बचा है तो हम 1 भर देंगे, मैक्सिमम हम 2 ही भर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कार्बन ले लीजिए, कार्बन 6 होता है तो यही भर देंगे, 1s2 2s2 और 2p2, 2 2 4 2 6। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको बहुत आपका दिल कर रहा है कि आपको बहुत सारे सबके लिख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इस तरीके से अपने देख लीजिए, निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, मैं आपको अगर आप थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है आपको, तो मैं आपको एग्जांपल्स करा देती हूँ थोड़े, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको रब कर देते हैं और एग्जांपल्स कराते हैं। ठीक है, तो हम मैं आपको 2-3 बताती हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ फटाफट बैठ के लिखिए साथ में, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, हमारा 1, तो हमारा 1s1। ठीक है, इसका क्या हो गया, 1s2। ठीक है, इसमें 3 है तो 1s2 और 2s1, इसका क्या हो जाएगा 4, तो 1s2 2s2, इसका क्या हो गया 5, तो 1s2 2s2 एंड 2p1, 6 है तो 1s2 2s2 एंड 2p2, 1s2 2s2 एंड 2p3, 3, 10। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आता है। ठीक है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आपको और भी कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली हो, या आपको और भी कुछ जानना, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में बताएँ, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।